उत्तर प्रदेश में अब पुलिसकर्मियों की मानसिक स्थिति पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कोरोना के बाद से पुलिसकर्मियों में तनाव एवं उनकी काउंसलिंग कराए जाने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर आकाश तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि डीजीपी पुलिस मुख्यालय से निर्देश जारी किए गए हैं कि पुलिसकर्मियों की थाना स्तर पर मेडिकेशन के द्वारा तनाव मुक्त रहने का काम किया जाए। सहारनपुर से मोनू कुमार के साथ प्रशांत वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, पुलिस मुख्यालय से डीजीपी मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि कोरोना के बाद से पुलिसकर्मियों में तनाव की स्थिति ज़्यादा उत्पन्न हो गई है। चूँकि पुलिस फ्रंटलाइन में काम करती है, कोरोना वॉरियर्स हैं, तो जो कोरोना की घटना के कोरोना का जो समय हुआ है, साल डेढ़ साल जो हुए हैं, इसमें पुलिसकर्मियों के बीच में तनाव की स्थिति ज़्यादा उत्पन्न हो गई है। तो इसीलिए पुलिसकर्मियों की काउंसलिंग कराना ज़्यादा आवश्यक है। तो इसमें हम लोग डॉक्टर्स जो हैं, जनपद सहारनपुर में काफ़ी डॉक्टर्स हैं, तो उसमें मनोचिकित्सक हैं और साइकैट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट ये सब हैं, तो उनसे हम लोग बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक रेगुलर सेशन आयोजित किए जा सके। मेडिटेशन का भी हम कैंप पुलिस लाइन में और थानों में लगवाएंगे और एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोग जारी करेंगे, जिसमें यदि कोई गोपनीय रूप से पुलिसकर्मी अपनी समस्या के बारे में बताना चाहता है तो वो बताया जा सके, क्योंकि इस संबंध में थोड़ा बहुत स्टिग्मा भी अभी हमारे देश में है, परंतु ये बहुत ही मेंटल हेल्थ इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। तो ये यदि समस्या किसी को होती है तो उसका समाधान आवश्यक है। इसी के क्रम में जो निर्गत निर्देश है पुलिस मुख्यालय के, उसी का पालन करते हुए हम लोग पुलिसकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य का बेहतर करने का प्रयास हम लोग करेंगे।